प्रयागराज एसएसपी सतपथ त्रिपाठी के निर्देशन पर एसपी यमुनापाल सौरभ दीक्षित के मार्गदर्शन में अवैध कारोबार करने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 12 थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। कुछ दिन पूर्व थाना क्षेत्र में डीजे संचालक के साथ हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले चार चोर गिरोह के छह साथे लुटेरे सोनू भारतीया, लालचंद पासी उर्फ सागर, अनुपम नन्हे राहुल को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है। 12 पुलिस टीम ने गिरफ्तार हुए साथे लुटेरे के पास से घटना में प्रयोग दो मोटरसाइकिल व लूट की डीजे मशीन, म्यूजिक सिस्टम, स्ट्रेचर, मिक्सर, स्टेबलाइजर, दो लैपटॉप में चार्जर, दो स्मार्ट मोबाइल फोन तथा एक अवैध तमंचा, दो कारतूस बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी यमुनापाल सौरभ बताया कि थाना 12 पर आकर एक डीजे संचालक द्वारा तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि शादी समारोह से कार्यक्रम संपन्न कराकर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ साथे आरोपी घेराबंदी करके बल का प्रयोग करते हुए हमारे साथ मारपीट की और हमारे डीजे का म्यूजिक सिस्टम समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। मामले में संज्ञान में लेते हुए 12 थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा तत्काल अज्ञात अपराधी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर घटना का खुलासा करने के लिए टीम गठित की। वहीं आज मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र से घटना में संलिप्त मास्टरमाइंड समेत सारे आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए यमुनापार में कोई जगह नहीं है, लगातार पुलिस टीम द्वारा इसी तरह प्रभावी कार्रवाई की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग रही है। बाइक चोर गिरोह से लेकर अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा है। प्रयागराज से अजय अड्डे की रिपोर्ट। दिनांक 31 मई 2021 को जनपद प्रयागराज के थाना 12 में एक पीड़ित ने सूचना दी थी कि वह डीजे संचालक है और डीजे की काम करने के बाद जब वो शादी के एक समारोह से लौट रहा था तो कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बल प्रयोग करके उसका डीजे का सामान, जिसमें डीजे बजाने का म्यूज़िक सिस्टम और लैपटॉप वगैरह रहते हैं, उसे इन लोगों द्वारा लूट लिया गया है। तत्काल अभियोग पंजीकृत करके इसमें इसके अनावरण हेतु और बरामदगी हेतु कई टीमें लगाई गई थी, जिसमें आज दिनांक 18 जून को थाना 12 के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर टीकाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम को सफलता मिली है और इसमें 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से लूट का 100% माल बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 1 लैपटॉप, 2 घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें तथा डीजे का अन्य सामान और तलाशी के समय से इनके पास से 1 जिंदा तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। इन सभी को आज न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेज दिया गया है।